जैसा कि आप सभी को पता है पिछले ब्लॉग में भैया का बर्थडे था आयुष भैया का, तो उनका गिफ्ट रह गया था। तो पहले अभी हम गिफ्ट देते हैं एंड उसके बाद आगे चलते हैं, समझे। वेलकम करिएगा हमारा आज भी। आपका गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इधर इधर आओ, पहले तो आप काले आ रहे हो, काले आ रहे हो, काले आ रहे हो, काले आ रहे हो, काले आ रहे हो। ये लीजिए आपका गिफ्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है, और थैंक यू बोलने कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हम सबका प्यार है। ओहो यस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, हमें इजाज़त दें आप। हम क्योंकि मार्केट जा रहे हैं एंड हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, गूज बम्स आते हैं बसंत के नाम से। ठीक है, कमेंट डाउन बिलो कि हम जो बसंत पे मतलब हम करना चाह रहे हैं, थोड़ा मतलब आप भी गेस करें कि हो जाना चाहिए वो। हम कुछ इंटरेस्टिंग करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, अभी प्लानिंग चल रही है तो वेट कर। तो ये हमारे विशाल भाई चले भैया। हाँ चलो 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 चलो। ये हमारे ड्राइवर बने हुए हैं, एक्चुअली मैं ड्राइवर नहीं है, फ्रेंड है। तो फ्रेंड का थोड़ा मतलब होता है ना एक फ़ायदा, हम फ़ायदा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अपनी स्कूटी से जाते थे पहले, अब हम शॉट नहीं ले पाएंगे। तो हमने कहा भैया आप आ जाओ, तो बड़ी मुश्किल से आए हैं कि भाई चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब इन्हें जाना है कंकरखेड़ा और बस, अब क्या कहें हम, क्या ना कहें। खैर चलिएगा आप, अब हम आपको पूरा दिखाते हैं मार्केट में क्या लग रहा है, क्या है कि दरअसल अब हम देखना चाहते हैं कि नया क्या हुआ है मार्केट में। हम कुछ स्पेशल देखेंगे, मतलब कि अपने लिए कुछ नया, मतलब हम बसंत का एकदम स्पेशल बनाना चाहते हैं इस बार। दीजिए हमने बाइक, और ये बाइक हमने लगाई है विशाल मेगा मार्ट के सामने, बिकॉज इसलिए क्योंकि यार अंदर ना बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं मिलता बाइक लगाने का और कार लगाने का, क्योंकि वहाँ पे ना बिल्कुल भी ऐसा जगह नहीं है लगाने की। तो मैं यही कहूँगा जब भी आप आओ ना तो बिल्कुल एकदम सोच समझ के आना बाइक वगैरह ले करके जब भी आओ, और कार तो बिल्कुल ही मत लाना क्योंकि स्पेस नहीं मिलेगा वहाँ पे बिल्कुल भी आपको, और आपको तो पता ही है मेरठ में चोरियाँ कितनी होती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमने बाइक इधर पार्क करी है, इधर थोड़ा सेफ है। आप चलते हैं अंदर मार्केट में, समझे। ये हो गया एक्सीडेंट। तो गाइज ये है यहाँ पे खैर नगर का चौपला, ठीक है ना। अब इससे हमें लेफ्ट होना, समझे। इधर जब लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो ये पूरी खैर नगर मार्केट आ जाएगी, और यहाँ पे मिलती है पतंग। देखो एंटर होते ही ना ये पहली दुकान मिल जाएगी इधर, ये देखो। हाँ जी भाई लोगों, तो हम आ चुके हैं अब इस मार्केट में, एंटर हो चुके हैं एंड मतलब गूज बम्स आ रहे हैं कि पतंगों को देख के ऐसे, मतलब पिछली बार पिछली जो ब्लॉग था उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिला था, और देखिए जरा कितना कुछ है इस मार्केट में। देखिएगा एक दो, और मतलब जितनी दूर तक दिख रहा है पूरी पतंगों की मार्केट है, ठीक है ना। और मतलब और भी टाइप की यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे दवाइयाँ मिल जाती है, आगे चले जाओगे तो दवाइयों की मार्केट आ जाएगी, पीछे यहाँ पे सप्लीमेंट वगैरह ही मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, बताते रहेंगे हम। और मतलब मैं ऐसे एक दो दुकान पे ही जाऊँगा, सारी दुकानों पे इतना कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने एरिया में है ये पूरी की पूरी, ठीक है ना। देखो ऐसे पेटी में आती है पतंगे। ए गाइस गाइस गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बीच में डिस्टर्ब किया आप लोगों को, बिकॉज आज है 26 तारीख, यानी ये 26 तारीख में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और आज है गणतंत्रता दिवस। तो आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड ये मैंने डिस्टर्ब इसलिए किया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल NFS व्लॉग। दरअसल हम थोड़ा भूल जाते हैं और हम इंट्रो लेना भी भूल जाते हैं कि इंट्रो भी लेना होता है वीडियो में, तो ये हम छोटी छोटी गलतियाँ करते रहते हैं और बस इनसे काम नहीं चलेगा, तो सॉरी। चले चले वीडियो को एंजॉय करें आप लोग। एक दो, ये पता कितनी अच्छी लग रही है ब्लू वाली, दो नंबर एक दुकान ये भाई कितनी सही है, ठीक है, एक दुकान ये है और वेट और एक इधर है दुकान ये इधर, ठीक है,
एक इधर है दुकान, एंड एक इधर। ओके सो भैया ये थी यहाँ तक की मार्केट, ठीक है ना। मतलब अब पीछे चलते हैं वापस, अब एक दो दुकान जो भी दिखेगी उसमें घुसते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं रेट वगैरह क्या है। बाकी इधर तो कुछ भी नहीं रहेगा, इधर मिलेंगे सिर्फ आपको सप्लीमेंट और दवाइयाँ, समझे। ऐसा तो भैया तो भैया यहाँ पे देखो फोन तो है नहीं किसी के पास, पर लेकिन हम पर्चे पे जरूर लिख के जा रहे हैं अपने चैनल का नाम, दिखाइएगा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज कर ले, समझे। ऐसे इंटरेस्टिंग और जहर जहर व्लॉग आएंगे, ठीक है ना। अंकल कैसे है, मतलब देखने के लिए बेताब हो आप? हम देख रहे हैं। तो आप अपने कैमरे में आ चुके हो हमारे। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें है क्या है, क्या ये बीमारी क्या है ये। सही है, आप भी देखना चाहते हैं वीडियो, ठीक है अंकल जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम पतंगों की एक शॉप पे ऐसी पे आए हैं जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट पतंगे, मतलब ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट लेकिन मैं आपको एक शॉप ऐसी बता दूंगा जिस पे आप कभी भी आ सकते हो। अंकल ये 12 महीने खुलते शॉप? नहीं सर, हमारी 12 महीने जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर है, ठीक है। और मैं हाजी कल्लू भाई के नाम से। किस नाम से? मैं हाजी कल्लू भाई पतंग वाले। अच्छा 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 अच्छा, जयपुर। तो यहाँ पे सिर्फ सीजनल खुलती है? सीजनल खुलती है अपनी, ठीक है। जैसे कि देखो हर जगह का अलग अलग अंदाज है, मतलब यूपी में उड़ती है बसंत पे, और दिल्ली में NCR में उड़ती है अगस्त में, मतलब 15 अगस्त पे उड़ती है वहाँ पे। तो सब जयपुर में मकर संक्रांति, अमृतसर में भी ऐसी मकर संक्रांति वगैरह पे उड़ती है, तो हमारे यहाँ बसंत पे उड़ती है यूपी में, ठीक है ना। सबका अलग अलग अंदाज है। तो अंकल आप मेरे को अच्छी अच्छी पतंगे दिखाएं जो मतलब देखिए बच्चा हो। ये बहुत क्रेज होता है इस पतंगों का, ये तो बच्चों के लिए, ठीक है ना। पन्नी में थोड़ा क्या प्राइसिंग पड़ जाएगी इसकी? ये 5 रुपए की एक पड़ेगी, ठीक है। ये 5 रुपए की एक पड़ जाएगी, ठीक है। ये मिर्ची पतंग होती है बड़ी में, कितने की होगी ये? 10 रुपए की प्राइस। ये 10 रुपए की प्राइसिंग में। ये तिरंगा होगी, ये कितने की? 10 रुपए की पड़ेगी। 10 रुपए की पड़ेगी। और मैं एक चीज भूल ही गया, आज है 26 जनवरी, तो यार स्पेशल पतंग है ये पतंग, तिरंगा स्पेशल होती है, ठीक है। तिरंगा स्पेशल होती है। ये बड़ी झाप पतंग और ये बड़ी पतंग है। ये कितने वाली है? ये 20 रुपए की एक है, 20 रुपए फुल साइज होता है ये। अच्छा फुल साइज होता है, ठीक है। ये इसका छोटा भाई है, ठीक है। ये इसका छोटा भाई है, ये जो ये रखी है ना यहाँ पे तिरंगा, ये इसका छोटा भाई है, समझे। एक ये पतंग होती है मैदान की पतंग होती है, लंबी दूरी ये मैदान, हाँ लंबी दूरी पर लड़ाई जाती है। ये कितने वाली है? ये 7 रुपए की पतंग पड़ेगी। ये 7 रुपए की पड़ेगी। अच्छा इस बार अंकल ऐसा सुनने में आ रहा है कि रेट भी मतलब बढ़े हैं पतंगों पे? बिल्कुल। कितने वाली पे? कागज करीब करीब सभी पे बढ़े हैं, क्योंकि कागज के ऊपर तेजी रही है। अच्छा उसकी वजह से। सही है, ठीक है। और ये जो इधर रखी है मेरे को दिख रही है 2020 वाली, ये दिखाना। ये ये कितने की पड़ेगी? ये 10 रुपए की पड़ेगी। ये 10 रुपए की पड़ेगी। भाई कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, और ठीक सही है। अब मंजा दिखा दो अंकल थोड़ा सा मैं। ये होती है जो भगवान को जो मंदिर वगैरह में चढ़ती है, वो ये अच्छा चरखी होती है, सबसे छोटा पीस होता है चरखी का। हाँ, ये मतलब भगवान जी को चढ़ती है, और मतलब बहुत ही छोटी है, मतलब वैसे तो सिर्फ बच्चे भी यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनका शौक भी पूरा हो जाएगा और आपका भी, समझे। देखिए ये होगा, ये मैदानी मांझा होता है 3 रील का। अच्छा 3 रील का ये? हाँ जी, डीके की डोर होती है। अच्छा ये 350 रुपए की चरखी पड़ेगी। 350 रुपए की चरखी पड़ेगी, पूरा 3 रील होगा, कंपनी का धागा होगा लगा। अच्छा ठीक। और कोई जिसपे झाप पतंग जो होती है, बड़ी ढाल पतंग होती है। हाँ 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 हाँ। वो लड़ाई जाती है इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, पकड़ो रे। ये 650 रुपए का है। हाँ। 6 रील होते हैं इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, कलरफुल पतंग मंजा होता है। अच्छा 6 रील है इसमें भी, ठीक है। कितने की पड़ेगी ये वाली? आपको पड़ेगी 650 रुपए की। ये 650 रुपए की पड़ेगी। अच्छा एक ये होगा 3 टाइगर, ठीक है। 3 टाइगर है, इसमें 3 रील होंगी इसमें भी। 750 रुपए 6 रील। 6 रील है। अच्छा जी 750 रुपए की, ठीक 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 ठीक। और 12 रील में? 12 रील के अंदर मांझा भी शॉर्ट है। शॉर्ट है अभी? अच्छा उसकी शॉर्ट है अभी, है नहीं 12 रील में। और एक चीज अंकल मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे मार्केट में चाइनीज मंजा चला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाइनीज मंजा बिल्कुल नहीं रखते, ना ही इस्तेमाल करने के लोगों को राय देते हैं। ये मैं भी कहूंगा कि यार देखो चाइनीज मंजा, देखो अब मैं भी उड़ा रहा हूँ, देखो कुछ नहीं होता, हम लेने वाले सबसे पहले हैं, मतलब कि जब तक आप खरीदोगे तभी ये लोग बेचेंगे, इनकी गलती नहीं होती है, ठीक है ना। जब तक लेने वाले बंद नहीं करेंगे तब तक ये बेचने वाले भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये मांगेंगे आप लोग जाके मांगोगे
तो ये भी कुछ नहीं कर सकते, इन्हें भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। कस्टमर की ये पहले सुननी पड़ती है इन लोगों को, ठीक है ना। तो यार मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल भी मत उड़ाओ यार चाइनीज़ मंजे से, यहाँ तक कि मैं भी उड़ाता हूँ, इस चीज़ का मैं मानता हूँ, पर लेकिन इस बार मैं पूरा चाहता हूँ कि मैं भी सादे मंजे से उड़ाऊँ। तो मैं भी सोच रहा हूँ सादे मंजे की, बाकी स्टिल देखते हैं कि क्या होता है। तो हम कुछ यहाँ से पतंगे भी ले रहे हैं, तो वो पतंगे जो दिखेंगी आपको वो मिलेंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मतलब कि अभी हम परचेजिंग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पसंद की, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी ये मतलब एक तरह से 0% है अभी ये हम ले रहे हैं, बट लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, समझे। तो थोड़ा स्टे ट्यून्ड, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरे को, तो वहाँ पे मैं अपनी अपडेट देता रहूँगा व्लॉग की, बाकी इंतज़ार कर रहे हैं करम फर्मा, ठीक है ना। और ये शॉप है, आ सकते हो आप, ठीक है ना, अभी भी टाइम है, आ जाना। और भाई देखो मैं यही कहना चाहूँगा, पतंगों के रेट बहुत ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आएँ, और मंजों के भी ठीक ठाक हैं, ठीक है ना भाई। ये पतंग इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, ये दिखानी नहीं है, ये नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ी सी सिनेमैटिक एंजॉय करो, ठीक है ना। और इस व्लॉग में मैंने चरखियाँ वगैरह नहीं दिखाई हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चरखियाँ बिकॉज मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि उनके रेट सेम ही रहते हैं, ज़्यादा बढ़ते वगैरह नहीं हैं। और रही बात मंजे की, तो मंजे के बढ़ जाते हैं और पतंगों के बढ़ जाते हैं, उसके मैंने आपको बता ही दिए हैं। सो गाइस, यहाँ पे जितनी भी शॉप हैं कुल मिला करके, इन शॉप पे जितनी भी पतंगें मिलती हैं वो एक्चुअल में ऐसा है कि ये होलसेल मार्केट है। हमारे घर के पास जितने भी ये सेल्समैन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वहाँ से जा करके पतंगे लेते हैं और ये हमारे को यहाँ पर ला करके सेल करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे होलसेल में पतंगे मिलती हैं, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी नहीं बताई थी, ये मैं अब बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है ना। तो होलसेल में का मतलब है, अगर आप बल्क में पतंग लोगे तो आपको ये बहुत ही मतलब एक तरह से सस्ती पड़ जाएंगी, और अगर आप एक दो पतंग लोगे तो उसमें ये लोग रेट कम नहीं करने वाले, समझे। ऐसे ही मंजे में है, ऐसे ही चरखी में है, और ऐसे ही पतंग में है, ठीक है ना। और जो इस मार्केट का एड्रेस है वो पूरा का पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप सभी को बहुत ही इजी हो जाएगा आने का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो, इधर लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर सिर्फ आपको टच करना है एंड सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आएगा नोटिफिकेशन बेल, मतलब एक घंटा बना हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। उसको दबाने से आपका ये होगा कि जो मेरी नई वीडियो है उसकी आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बूम।